जन जन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और कल हमने आपको जैसा दिखाया था कि पंकज मिश्रा की रात जो है जेल में बहुत कष्ट से भरा रहा है। उन्होंने खाना नहीं खाया, बहुत गुमसुम रहे, लेकिन लगता है उनके मुश्किल के दिन लगता है खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ईडी ने सवालों के मानो बमबार्ड कर दिए है, बौछार कर दिए उनके ऊपर एक के बाद एक सवाल, जिससे कहीं ना कहीं वो हताश और निराश हो रहे और कई बार बहुत सारे सवाल में वो चुप हो जा रहे। हम आपको बताएंगे क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए और क्या क्या जानकारी निकल के सामने आई है। सवाल में उनसे ये पूछे गए कि कटिहार में जो अवैध रूप से 200 एकड़ जमीन जो आपने खरीदी है वो कहाँ से आया, इस तरह के सवाल थे। आपको बता दें कटिहार में पुल बन रहा है उसके अगल बगल, उन्होंने ऐसा ईडी को जानकारी मिली है जिस पर ईडी जाँच भी कर रही है कि 200 एकड़ जमीन पंकज मिश्रा ने खरीदी है। इसके साथ ही और भी जानकारी निकल के सामने आ रहा है कि एक दिन में पंकज मिश्रा की कमाई लगभग 40 लाख रुपए से अधिक थी और इन्होंने अकेले ही 100 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार किया है। 100 करोड़ इन्होंने कमाया है अकेले ही, तो आप समझ सकते हैं अगर सबने मिलकर काम किया होगा तो कितने पैसे की उगाही इन्होंने की होगी। या ईडी ने और भी ईडी जो है और इस जांच को और तेज कर रहा है। आपको बताते चले कि साहिबगंज में जो पुराने टेंडर को लेकर जो एफआईआर है, पुराने केसेस है, उसको थानेदार से बोलकर और निकलवाया जा रहा है, पुराने एफआईआर है उसको निकलवाया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि ईडी कहीं ना कहीं अपने जांच जो है वो और तेज और पुख्ता करने के इसमें है। ईडी और देखना चाह रही है कि कौन कौन लोग और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने आपको ये भी दिखाया था कि ईडी जब जाँच करती है तो कैसे जाँच के बाद सीधा निकलते हैं जिनको समन किया जाता है, वो व्यापारी निकलते और गायब हो जाते। ईडी के कई सारे गवाह गायब भी हो चुके हैं, अब फिर से ये चीज़ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ईडी के गवाह गायब हो गए। हमने आपको बताया था कि बच्चू है, लल्लू यादव है, ये सब यहाँ पे आए थे 18 जुलाई तक, ये रेगुलर आ रहे थे साहिबगंज से इनके समन पे, ईडी के समन पे। लेकिन अब जब बच्चू यादव ने कहा कि मेरी माँ को कुछ तकलीफ है, तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ईडी ने जब पड़ताल किया तो पता चला कि वो तो साहिबगंज में ही नहीं है, तो बच्चू यादव और लल्लू दोनों साहिबगंज से फरार हो चुके हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। ईडी के समन किया था ईडी के अधिकारियों ने, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि ये जितने भी कमाई का जो ब्यौरा है, ईडी इस पर अभी और जांच कर रही है और इस पर जो सवाल कर रही है पंकज मिश्रा से, पंकज मिश्रा के पास इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। पंकज मिश्रा नर्वस हो जा रही है ये सवाल के जवाब पे। ईडी साफ तौर पर उनसे पूछ रही है कि आखिर ये पैसे आपके पास, जो इतने सोर्स ऑफ इनकम है, इतने 40 लाख या 100 करोड़, ये सारे पैसे कहाँ से आए, आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या थे, आपके सूत्र क्या थे, कहाँ से आपने उगाही के पैसे। तो उनके पास कोई वैध जो लीगल तरीका है पंकज मिश्रा वो बता नहीं पा रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आए। तो इससे ईडी का जो शक है और ज़्यादा गहराता जा रहा है और ईडी को ये शक है कि इसमें सिर्फ पंकज मिश्रा ही नहीं और जितने लोगों को समन किया है उतना ही नहीं बल्कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये टेंडर और मनी लॉन्ड्रिंग का जो करप्शन है ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस वजह से वो फिर से साहिबगंज जाने वाली, ईडी की टीम एक टीम जाने वाली है और वो वहाँ पे पुराने एफआईआर और भी व्यापारियों को समन करने के फिराक में है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 6 दिनों का रिमांड है जिसपे पंकज मिश्रा है ईडी के पास, इसमें क्या आज का अपडेट तो यही है, लेकिन आने वाले और 5 दिनों में क्या अपडेट निकल के सामने आएगा और 5वां दिन के बाद, 6ठा दिन के बाद जो रिमांड खत्म होगा तो क्या कुछ एक्शन कोर्ट की तरफ से और ईडी की तरफ से लिया जाता है, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।